हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हेल्पफुल एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का आप ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म आप कैसे अप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर आप यूजी और पीजी कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है। सिंपली आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको जो है puonline.co.in आपको आ जाना है, जो कि पटना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन PUCET 2020 पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके, तो अगर आप पहले से अप्लाई किए हो तो आप यहाँ पे एक्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन हेयर पर आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स वाइज है, जैसे कि यूजी कोर्स के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए ऑनर्स, जिसका एंट्रेंस टेस्ट जो है 29/6/2020, तो इसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट का डेट भी मिल जाता है और इसके लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगा। ओके, जैसे कि इंटर आर्ट्स, इंटर साइंस, इंटर कॉमर्स के साथ अगर 45% मार्क है तो आप जो है बीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं पटना यूनिवर्सिटी में। ओके, उसी तरह से बीएससी ऑनर्स के लिए है, तो यहाँ पर आप सभी कोर्स का अपना ये एक एलिजिबिलिटी है जिसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली आपको जिसमें भी आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई नो का ऑप्शन आ रहा है सभी कोर्स में। ओके, तो चलिए मैं जैसे कि यहाँ पर बीएससी के लिए बताना चाहूँगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीएससी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका एंट्रेंस टेस्ट जो है 2/7/2020 को होगा और आपको जो है ये आप देख सकते हैं 45% मार्क होना चाहिए, जो कि पीसीएम के साथ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अप्लाई करने के लिए अप्लाई नो के ऑप्शन पर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लाई नो का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको उसमें वेट करना है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं तुरंत उसका रिप्लाई दूंगा। ओके, तो आपको फुल प्रोसेस बताऊंगा फॉर्म कैसे फिल करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैचलर ऑफ साइंस बीएससी आ चुका है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम इंटर कर देना है, यहाँ पर आपको मिडिल नेम और यहाँ आपको लास्ट नेम इंटर करना है, यहाँ आपको फादर नेम इंटर कर लेना है, यहाँ पर आपको मदर्स नेम आपको इंटर करना है और यहाँ पर आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। ओके, चलिए यहाँ से आपको नेशनलिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इस पर क्लिक करने के बाद आप इंडिया से हैं या इंडिया के बाहर हैं तो ये आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर रिलीजन है, तो चलिए यहाँ से आपको अपना धर्म सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जनरल आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको कैटेगरी, यहाँ से आपको जैसे कि ओबीसी के, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर ईबीसी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इंटर कर देना है अपने मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार। उसके बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करना है और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर इंटर करना है। ओके, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वैलिड इंटर करना है क्योंकि इसी पर ओटीपी जाएगा और इसी पर जो है आपका पूरा डिटेल्स जाएगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ सभी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पॉपअप विंडो ओपन होगा जिसको आपको ओके कर देना है। उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर पर सेक्शन का ओटीपी जाएगा जिसको आपको इस बॉक्स में इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। चलिए मैं यहाँ से वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद योर यहाँ देख सकते हैं योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली, आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। ओके, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली, यू कैन लॉग इन नाउ। ओके, तो यहाँ पर लॉग इन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ से लॉगिन का ऑप्शन भी क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर जो है एप्लीकेशन आईडी मिला होगा, तो ये एप्लीकेशन आपको आईडी आपको यहाँ पर इंटर करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहाँ कैप्चा जो ये शो कर रहा है, कैप्चा आपको यहाँ पर इंटर करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ओके, तो चलिए सर सभी डिटेल्स आपको फिल करने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। चलिए लॉगिन करने के बाद आपको सामने इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप जो है सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको नोट नो पे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें मैं आपको बता दी, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पर अननोन आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है जो कि आपको जरूरी है आधार नंबर डालना। यहाँ पर विकलांग है आप तो यहाँ पर यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पे सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको पोस्टल एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, अपने घर का एड्रेस यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। ओके, अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस और क्रोस्पॉन्ड एड्रेस, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, नहीं तो आप यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डाल देना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर आपको एड्रेस डालने के बाद आगे बढ़ना। चलिए उसके बाद आपको एड्रेस यहाँ पर फिल करने के बाद आपको यहाँ पर अपने गार्जियन का यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको इंटर कर देना है, जो कि भरना जरूरी है। आप किसी का भी यहाँ पर ब्रोडर का नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना। तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। यहाँ पर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वन कॉलेज सिलेक्टेड पे आर एस 300 फॉर ईच कॉलेज। ओके, तो प्रत्येक कॉलेज पर आपको 300 रुपये यहाँ पर पेड करना होगा। यहाँ पर आपको बैचलर ऑफ साइंस यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बायो ग्रुप या मैथ ग्रुप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ओके, तो चलिए मैं यहाँ से मैथ ग्रुप सेलेक्ट कर लेता हूँ।
और उसके बाद यहाँ पर कॉलेज भी होती है, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चलिए मैं कॉलेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि बिहार नेशनल कॉलेज है, ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ऑनर सब्जेक्ट आप क्या रखना चाहते हो। ओके चलिए मैं यहाँ से मैथमेटिक्स कर देता हूँ, और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ओके जैसे कि यहाँ पर केमिस्ट्री वगैरह सब आप सिलेक्ट करते हैं। ओके तो चलिए मैं एक ही सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको और भी कॉलेज अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आपको 300 रुपया अलग से आपको चार्ज यहाँ पर देना पड़ेगा। तो मिनिमम आप एक कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम आप जो है फोर कॉलेज जो है नहीं सॉरी फ्रेंड्स, आपको थ्री कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनर सब्जेक्ट में आप यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ पर आप चाहे तो दूसरा भी सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ओके अगर आपको अगर मैथमेटिक्स में एडमिशन नहीं होगा तो आपका दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन हो जाएगा। ओके उसके बाद यहाँ पर आप क्लास 10th, ओके तो यहाँ पर क्लास 10th पर यानी जैसे कि यहाँ पर बोर्ड का नाम लिख लेना है, और यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, और यहाँ पर सब्जेक्ट आपको इंटर कर देना है। सब्जेक्ट में आप शॉर्ट फॉर्म का यूज कर सकते हैं, जैसे कि 5 सब्जेक्ट है, जैसे कि आपको मैथमेटिक्स लिखना है तो MATS लिख सकते हैं, अगर आपको फिजिक्स लिखना है तो PHYL लिख सकते हैं। ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉमा से सेपरेट करते हुए आप लिख सकते हैं। ओके यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स आपको इंटर कर देना है, और कितना मार्क्स ऑब्टेन किए यहाँ पर आपको लिखना है, और परसेंटेज आपको परसेंटेज ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर आपका ग्रेड है तो यहाँ पर ग्रेड आ जाएगा। ओके उसके बाद यहाँ पर 12th का मार्क, ओके क्योंकि मैं UG के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर सिर्फ 12th के लिए मांग रहा है, अगर मैं PG के लिए अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर ग्रेजुएशन का भी मार्क मांगता। ओके तो यहाँ पर मैं अगर आप अप्रिंग है तो अप्रिंग सेलेक्ट करेंगे, अगर आप पास आउट हो जाएंगे तो पास सेलेक्ट करना है, पास आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना बोर्ड टाइप करना होगा जिस बोर्ड से आप पास आउट हुए हैं, यहाँ पर आपको ईयर, ओके इस साल आप पास हुए हैं, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट इंटर कर देना है। ओके तो वहीं आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको सब्जेक्ट भी यहाँ पर इंटर कर देना है, यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क और मार्क्स आपने कितना ऑब्टेन किए हैं यहाँ पर परसेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ओके उसके बाद आपको यहाँ पर 7 कन्फर्म पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर जो है आप जो सब्जेक्ट जो है इस तरह से फिल कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ओके उसके बाद आपको 7 कन्फर्म पर क्लिक करना है। चलिए यहाँ से मैं 7 कन्फर्म पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको उसमें वेट करना है, यहाँ से आपको ऊपर कर लेना है। ओके यहाँ पर अगर आप इन सब जो कैटेगरी में आते हैं जैसे कि स्टाफ टाइप में, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर यस करके आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल कर देना है। ओके अगर डिफेंस में आपका कोई पर्सन है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके यहाँ पर अदर में भी अगर कोई अगर है तो यहाँ पर आपको कोई यस सेलेक्ट कर लेना है। ओके जैसे कि मैं यहाँ पर डू यू वांट टू अवेलेबल हॉस्टल, अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर सेलेक्ट करना है। ओके उसके बाद आ जाता है फोटो एंड सिग्नेचर। ओके फोटो एंड सिग्नेचर करने आपको अपलोड करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 180 पिक्चर × 150 पिक्चर, और इसका साइज जो है 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए पासपोर्ट साइज। अगर सिग्नेचर की बात करें तो यहाँ पर सिग्नेचर आप देख सकते हैं 75 पिक्सल × 250 पिक्चर। ओके इसका साइज जो है 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। ओके तो यहाँ पर आपको चूज फाइल पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से फोटो आपको सेलेक्ट कर लेना, जहाँ भी आप सेव कर रखे हैं यहाँ पर फोटो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद आपको सिग्नेचर यहाँ से चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सिग्नेचर जो है आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। ओके उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कर लेना है। ओके नीचे करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कन्फर्म को क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके ओके पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं योर फॉर्म डिटेल्स हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज प्रोसीड टू द पेमेंट पेट। ओके तो आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके चलिए यहाँ से आपको पेमेंट फी जो है आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 642 रुपये आपको टोटल पेमेंट करना होगा। तो पे नो पर आपको क्लिक करके सिंपली आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। ओके लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको यहाँ पर पेमेंट नहीं करना है, अगर फॉर्म का लास्ट डेट से 10-15 रोज पहले आप जो फॉर्म का फी जो है पेमेंट करते हो। ओके क्योंकि आप जैसे ही फॉर्म को पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर आप कोई भी डिटेल जो है कलेक्शन नहीं कर सकेंगे, एडिट नहीं कर सकते। ओके तो अगर आप फॉर्म का भुगतान अगर नहीं किए हैं तो आप जो अपना जो अप्लीकेशन फॉर्म में सुधार कर सकते हैं, अगर फॉर्म का पेमेंट कर देते हैं तो कोई भी आप सुधार नहीं कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस करके भी आ चुका है कि आफ्टर फी पेमेंट नोट अपडेशन इज अलॉटेड। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद आपको फी यहाँ से पेमेंट कर लेना है। फी पेमेंट करने के बाद यहाँ से फी पेमेंट करने से पहले भी आपके यहाँ पर प्रिंट रिपोर्ट है, तो यहाँ पर आपको जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसको आपको यहाँ पर फोटो को प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पर प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करके आपको सेव करके इसको रख लेना। ओके यहाँ पर पूरा डिटेल्स आपको शो कर रहा है, ये आपको सेव करके रख लेना। ओके फी पेमेंट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे नो पर आपको क्लिक कर लेना है। ओके चलिए पे नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। पे नो पर जैसे ही क्लिक करें आपको कुछ समय वेट करना है। ओके तो ये पेमेंट पेज पे लेके जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना सारा मेथड है जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके यहाँ पर जैसे कि सेफ कार्ड है और क्रेडिट कार्ड को पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड विथ ATM पिन,
यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर आपको वैलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए यहाँ से मैं वैलेट पर क्लिक कर लेता हूँ। वैलेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट वैलेट है, यहाँ पर आपको यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एडिया मनी, ITZ कैश, जियो मनी, ओला मनी, ICICI पॉकेट है, तो इन सब के माध्यम से आप वैलेट के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देख सकते हैं 642 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, जिसमें कि प्रोसेसिंग फी 18 रुपया 48 पैसा है और 3.33 रुपया जो है आपको GST यहाँ पर पेड करना होगा। टोटल जो है 663 रुपया 81 पैसा आपको यहाँ पर लगेगा। ओके, आपको यहाँ पर डेबिट कार्ड भी अगर सेलेक्ट करते हैं तब भी आपको डेबिट कार्ड में आपको जो है प्रोसेसिंग फी और GST नहीं लगेगा, तो आपको यहाँ से डेबिट कार्ड से के थ्रू पेमेंट कर देना। ओके, तो इस तरह से बहुत ही आसानी से पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। ओके, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो कीजिए लाइक और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिला करें। थैंक यू फ्रेंड्स।